जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब ने चैनल पंजाब हित पंजाबीयत हित ये वीडियो पा रहे आज पंजाब है तो हिंदुस्तान है भारत है इंडिया है जे पंजाब नहीं तो कुछ भी नहीं। ये गल साड़ी सरकार नूं समझ लग जानी चाहिए है भावें वह केंद्र सरकार है तो भावें कोई सरकार है भावें किसी पार्टी की सरकार है। ये गल तुहानूं साफ तो स्पष्ट तौर पर नज़र आनी चाहिए है कि देश के हितों को कौन तोड़ रहा है। ये गल अज करनी है किसान की किसानी तो किसानी किस तरह से किमें जी प्रवासी जड़े ने लोग जिन्होंने असी पहीए कहने और सत्कार का यह शब्द है पहीआ इस सत्कार का शब्द इसलिए कि इसे भरा की मिठत है तो जे अगो भरा वालों मिठत ना आवे कुड़तन आ जाए तो फिर पंजाब के हालात बद तो बदतर बनाने लई पंजाब सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेवार है। तुसी इस चीज़ का अंदाजा ला लो। अच तुहानूं एक छोटी जी गल सुना लग्या अज तो 18-19 साल पहलों की गल है। मैं अपनी मंडी च गया सर्दियों के दिन सी दिसंबर महीना सी गोभी का सीजन सी ते बड़ा अच्छा सीजन सी 5 रुपए किलो तो लग के 10 रुपए किलो तक फुल गोभी विक रही थी। दो छोटे छोटे उम्र के बच्चे पंजाबी सिख बच्चे जेड़े गोभी की ट्राली लैके भर के आए सन उत्थे बैठे मंडी च अपनी गोभी वेच रहे सन ते उन्हां कोल एक 8-8 का वेला सी एक प्रवासी मजदूर भैया आया दिन की दिहाड़ी करके तो रात को उन्होंने आके कहता कि मैं तो ये सारी गोभी 200 रुपए च दे दो। तो सोचने लग गए भी ठंड भी ज़्यादा है 2 घंटे होर बैठांगे ठंड च तो की फायदा जिहड़ा 200 मिलता एको बार लैके तो असीं अगे चलीए। उन्होंने आपस में विचार कर रहे थे मैं उन्होंने तो गोभी लै रहा सी मेरे दिमाग च आया कि इन्होंने ठंडा दे विच गोभी पाल दित्ती कड़क दियां धुप्पां विच कई कम कर दिते ते इस ठंड तो क्यों घबरा रहे ने क्यों ये 2 घंटे लगा के 1,000-2,000 रुपया अपनी जेब विच पा के क्यों नहीं आप जांदे। ये रुपया जिहड़ा है ये प्रवासी दे हत्थां विच चल जाएगा उहदी डबल गेम दिने दिहाड़ी कर लईए ते रात नूं सब्जी मंडी च आ के इदां किसे ना किसे भोले भाले पंजाबी किसान नूं फिसा लिया ते उहदी जिहड़ी है रसद 200 रुपए च दे के ते अपना मल्टीप्लाई कर रहा। ये मल्टीप्लायर का जिहड़ा कानून है ये मैं उन्हां बच्चों नूं समझाया। मैं उन्हां नूं कहा मैं कहा बच्चे तुहाडी ट्राली दे विच किन्नी कु गोभी होएगी कहिंदे जी तकरीबन 1.5 क्विंटल दे नेड़े तेड़े है 1.5 क्विंटल तो ज़्यादा घट नहीं। तो मैं कहा जे तुसीं इस नूं 5 रुपए तो लग के 10 रुपए के हिसाब नाल वेचो तो तुहानूं 1,000-1,500 की वटक तुहाडी अपनी हो जाती है जिहड़ी तुसीं 200 रुपए च उहनूं देण दा इरादा बना रहे हो। मेरी गल उहनां नूं समझ लग गई तो उन्होंने बच्चों ने मैनूं नहीं पता मेरे जाण तों बाद दित्ती ट्रॉली या नहीं दित्ती। मैं आ गया अपनी गल कह के जदों मैं अगले हफ्ते फिर सब्जी मंडी च अपनी सब्जी मंडी की गल कर रहा उत्थे गया तो उन्होंने देखा मैनू एक बैठा सीगा बेटा उसने बड़े आराम नाल दूजे नूं कहा भी वह सरदार जी आउंदे हैं तो उन्होंने लिया। मैं गया उन्होंने फटाफट मेरे लिए रसद जिहड़ी सी बिना तोले मेरे जिहड़ा सीगा टोकरी या झोला सीगा मेरे कोल उहदे विच पा दित्ती ते नाल एक जो होर वस्त सीगी उह वी पा दित्ती। मैं कहा बच्चे पैसे किन्ने आ कहिंदे जी असीं पैसे नहीं लैने। मैं कहा क्यों नहीं लैने पैसे तुसीं बई तुसीं मेहनत करके इत्थों तक आए हो इत्थे भी मेहनत करके अगों वेच रहे हो ते तुहाडी मेहनत की कमाई जिहड़ी है मैं तां इदां नहीं लिजांदा मेरे तो पैसे जरूर लो जिन्ने भी बनते ने उन्ने लो। मैं ये नहीं कहता कि तुसी मेरे तो घट लो मैं कहना जिन्ने ने लो क्योंकि थोड़ी मेहनत है और मैनू मालक ने जे ये सोच दिती है
कि तुहाडी मदद करनी है, तो किसी लालच वस नहीं दिती आके। मैं उन्होंने बच्चों को कहा, मैं क्या बच्चे तुसी ये क्यों कर रहे हो सारा कुछ मेरे लिए? उन्होंने कहा, भाजी असी उस दिन तुहाडी गल नूं मन के असी 2 घंटे विच तकरीबन 1600-1700 रुपया वट के ते असी जेब विच पा के चले गए। जिहड़ा पैसा साडी 200 रुपए की जिहड़ी गोभी खरीद रहा सी उहदे विच असी 1400 रुपए का या 1500 रुपए का प्रॉफिट लै गए और बड़े खुश सी असी भी 2 घंटे फालतू ला के आए हाँ ते पैसे का निघ भी नाल लै के आए हाँ। जे अज सानू भाजी ना मिलते, गुरु महाराज ने भेजे सी साडे लई सुनिया ला के, असी उन्हां दी गल ना मनदे, असी गुरु साहब दे सुने दी जिहड़ी है अदूली करदे, हुक्म अदूली करदे ते अपनी गरीबी नूं आप सद्दा दिंदे। ते असी उस दिन ये चीज़ रख ली मन च, जो मर्जी हो जाए असी प्रवासी नूं सब्जी नहीं वेचनी, असी प्रवासी नूं सब्जी नहीं देनी। साडियां मेहनतां दे सिर ते ये अमीर बन गए ने और बन रहे ने, और अज वो किन्ना कु चलन या प्रचलन पंजाबी किसान ये मन के चल रहे ने, ये गल उन्हां दे लई पा दित्ती है। ते जे अज घटनावां हो रही हैं, तुहाडियां पगां लथ रही हैं, तुहाडी इज्जत नूं हत्थ पै रहा है, ते जे तुसीं मेरी इस चेतावनी नूं जिहड़ी मैं एक सज्जन नूं दित्ती सी ज़्यादा तो ज़्यादा घरां तक पहुँचाउण दा यतन कीता हुंदा, ते आई ना तुहाडियां पगां लत्तदियां, ना तुहाडियां तियां दी इज्जत नूं हत्थ पैंदी, ना तुहाडियां जायदादां ते कब्जे हुंदे, ते पईआं दा जिहड़ा ओह वी हौंसला इन्ना ना वधदा। असीं कहिंदे आ ठीक है। कई बार ये देखने च आया है किसान मंडी दे विच, किसान पिछे बैठा हुंदा मेहनत करके, भैया अगे बैठा हुंदा, वो 2 बारां दी गाकी जिहड़ी है वो अपने मालक दी जेब विच पा दिंदा, 1 बार दी दे विच चूना अपने मालक दे सामने ला के अपनी जेब विच पा दिंदा। ते मैं कई बार किसान भरा नूं पुछदा हाँ भी ये की, ते वो कहिंदे जी इन्हें भी तो रोटी खानी है, अपने बच्चों लिए कुछ करना है। ते मैं उन्हां नूं ये सवाल करदा, ये तुहाडे कोलों खांदे हैं रोटी कपड़ा लीड़ा लत्ता भी तुहाडे तों लैंदे हैं, रहिंदे भी तुहाडे कोल ने, तनखाह भी लैंदे हैं, ते फिर ये मेहरबानी क्यों इन्हां ते? ते इस गल दा किसे ने अज तक मैनूं कोई तसली बख्श उत्तर नहीं दित्ता। जे ये उत्तर नहीं दित्ता तसली बख्श, ते अज तुहानूं जिहड़ा तसली बख्श उत्तर जिहड़े ने यही लोग दे रहे ने। अज जे एक पिंड दी सरपंच बीबी ने इन्हां दे खिलाफ झंडा चुक्या तैयार कीता, तो इसका मतलब की है? इसका मतलब ये है कि तुहानूं हुण ज़्यादा समां नहीं गवाउणा चाहिए, अपनी जिहड़ी है इज्जत, अपनी हिफाजत, अपनी पगड़ी आप संभालो। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, लुट गया तेरा माल ओए, इस चीज़ नूं रख लो पल्ले ते कर लो अपना ख्याल ओए। गल्लां इन्नियां कु तुहाडे नाल करदे हां, सति श्री अकाल। देश हित विच पाती है, तुहाडी खुशहाली दी खातर पा दित्ती है, पंजाब दी जिहड़ी पीड़ है उस नूं समझ के ये गल तुहाडे तक निभा दित्ती है। गल्लां इन्नियां कु ते करदे हां, सति श्री अकाल।